हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है वैकेंसी से रिलेटेड। एक नई वैकेंसी आ गई है जो कि है उत्तराखंड के अंदर, ऑफिस ऑफ मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफ 6 मंथ रन बाई इग्नो अंडर NHM उत्तराखंड। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2020 बाई 5 PM। आज की तारीख 28 तारीख का यह है नोटिफिकेशन, ठीक है। आज तो शायद 29 हो गई, कल का होगा। प्लीज़ नोट दैट बिलो 115 सीट्स आर बीइंग एडवर्टाइज एज रिमेनिंग सीट्स आउट ऑफ 300 सीट्स विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर। पहले एक एडवर्टाइजमेंट आ चुका है जो कि 6/8/2020 को, सो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन नॉट विल बी कंसिडर। यानी कि 300 पोस्ट तो पहले आई थी, 115 नहीं है, तो नए एप्लीकेशन सबको भरने, पहले जो उसने भरा था वो उसको वापस से फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं सब सेंटर्स के लिए, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर सीधा एलिजिबिलिटी पर आते हैं। BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया इज मैंडेटरी। दिस द कैंडिडेट्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद द उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल इफ दे गेट सेलेक्टेड एंड ऑप्ट टू परस्यू द कोर्स। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि CHO बन, वहाँ से CHO का कोर्स करना है, तो आपके पास उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। एज लिमिट क्या है देखते हैं। एज लिमिट अप टू 35 ईयर ऑफ एज, हाउएवर 40 ईयर्स फॉर SC and ST कैंडिडेट्स, ठीक है। ST SC के लिए 40 ईयर्स, बाकी 35। और अनरिजर्व्ड OBC इस तरह से हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। फॉर एज रिलैक्सेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन है। द कैंडिडेट हु इज़ फिलिंग फॉर्म अंडर, जो दूसरे स्टेट से अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उसका, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, उसको जो है अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये आप समझ लें। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड टू बी प्रेजेंट प्रोविजनली ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग फॉर डिपॉजिटिंग द श्योरिटी बॉन्ड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट 1,30,000 ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर शेड्यूल विद द अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,03,000 का बॉन्ड भरना है, ठीक है, और काउंसलिंग होगी उससे पहले। द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म विल बी अपलोडेड विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली। यानी कि वेबसाइट पर आप फॉर्म भरेंगे, उसके 7 दिन के अंदर अंदर फाइनल लिस्ट जो है यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी, और उन सबको जो कैंडिडेट्स शेल कैंडिडेट्स कॉल फॉर द कैंडिडेट पर्सनल प्रेजेंस सबमिट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग श्योरिटी बॉन्ड। यानी कि जो बॉन्ड, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जाने पड़ेंगे, और एक डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, यानी कि एक बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, ठीक है, जो कि अगर आप कोर्स फी ऑफ इग्नू विल बी पेड बाय NHM उत्तराखंड, ठीक है, नहीं अगर आप कोर्स छोड़ते हैं बीच में तो आपको वो पे करना पड़ सकता है। और इस तरह से है, आफ्टर पासिंग द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ इग्नू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग एज MLHP और CHO ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट गिवन बाय इग्नू ऑन देयर फॉर द डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड अंडर प्रेफरेंस फॉर ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट टू गिवन टू द गेंद। मतलब ये तो वही है, CHO का प्रोसेस आपको बताइए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और सक्सेसफुल कैंडिडेट पोस्टेड हो CHO गिव सर्विस इनिशियली फॉर 3 साल के लिए उनको देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट सेंटर। फेलिंग विच अमाउंट इज 1,03,000 विल बी फॉरफिट बाय, अगर उससे 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 1,03,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। आफ्टर ज्वाइनिंग जो है आपको रिन्यूमरेशन मिलेगी 25,000 रुपये की पर मंथ प्लस वेरिएबल परफॉर्मेंस बाइज इंसेंटिव ऑफ 15,000। मतलब टोटल जो है 40,000 जो है वो आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। द एम्प्लॉयमेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल अंडर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल अंडर
नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के आधार पे, टू अवॉइड एनी अनप्रेडिक्टेबल अनफॉर्चुनेट, ये तो कुछ नहीं है ठीक है, आपको ये इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है ठीक है, नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स। क्या क्या चाहिए आपको? और ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर मेरिट लिस्ट सबमिट द प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द कॉपीज ऑफ, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट्स, नर्सिंग जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसका सर्टिफिकेट, वैलिड जो है अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट, अगर जो भी वहाँ पे अप्लाइड है वो चीज़ें ठीक है, और कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड का जो है इंसान मूल निवासी होना चाहिए ठीक है, मूल निवास कहाँ होना चाहिए, उत्तराखंड का, यानी कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही ये वैकेंसी भरें। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय करंट एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उससे NOC लेनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ तो 10वीं वाले मार्कशीट चल जाएगी। इस तरह से जो है द सर्टिफिकेट फॉर द OBC कैटेगरी शुड नॉट बी ओल्डर देन, ये तो OBC के लिए है कि 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, और टोटल सीट कितनी है, 115 सीटें हैं ठीक है, सीट का मैं आपको बता देता हूँ, पहले 300 सीटें थी ठीक है, वापस उसके अंदर 115 ऐड हुई है, मतलब टोटल सीटें जो है वो 415 हो गई है, अनरिजर्व की 42, EWS की 12, OBC की 26, ST की 3 और SC की 32, इस तरह से हैं। ऑल एप्लीकेशन विल बी सब्जेक्टेड टू स्क्रीनिंग प्रोसेस एज पर, इस वेबसाइट पर आपको अपलोड करना है ठीक है, उत्तराखंड के ऊपर उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके आधार पर होगा। प्लीज़ नोट 1st October 2020 शैल बी टेकन एज ए रेफरेंस डेट, वो एज के लिए कैलकुलेट करने के लिए 1 अक्टूबर 2020 को माना जाएगा। लास्ट डेट जो है 7/11/2020 है एप्लीकेशन सबमिट करने की, और जो वेन्यू जो है वो बताया, कहाँ पर काउंसलिंग होगी वो बताया जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू, जो कि है www.ukhfws.org ठीक है, इस पर आपको जबकि जो है कोई भी क्वेरी है तो इस वेबसाइट इस जीमेल आईडी पर आप वो कर सकते हैं, मैसेज मेल कर सकते हैं, और इस तरह से ये मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के सिग्नेचर है, और बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपने फ्रेंड्स जो भी उत्तराखंड के आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करें, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।